संस्कृत तृतीय भाषा स्पंदना क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे थे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है ये पूरा स्टार्टिंग में। अस्माकम चिंतने, चैप्टर स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन देखिए आप। अस्माकम चिंतने राष्ट्र से अवधारणा अति प्राचीनो विद्यते। हमारे देश में, हमारे चिंतन में या हमारे विचारों में राष्ट्र की जो अवधारणा है वो बहुत ही प्राचीन है। वेदेश्व अपि, अर्थात वेदों में भी, आराष्ट्रे राजन्य, अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय, यजुर्वेद में कहा गया है ऐसा, क्षत्रिय, वयम राष्ट्रे जागरयाम, अर्थात हम राष्ट्र में जागृत रहें, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, ये ऋग्वेद में कहा गया है कि मैं वाग देवी अर्थात वाणी की देवी, कौन है, सरस्वती, और धन प्रदात्री अर्थात धन प्रदात्री कौन सी देवी, लक्ष्मी, तो मैं क्या हूँ, वाणी की देवी और लक्ष्मी, धन देने वाली लक्ष्मी देवी हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द से प्रयोगम एतद स्पष्टम अस्ति। इसी तरह से इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग की प्रयोग को स्पष्ट किया गया है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र से संबंधी जो अवधारणा है वो बहुत ही प्राचीन है, पश्चिमात्गता अर्थात पश्चिम से आई हुई है। इति ये मन्यते तु वस्तुतः ब्रास्ता सन्ति, अर्थात ऐसी अवधारणा है, लोग ऐसा मानते हैं कि ये वास्तव में भ्रांत है। भ्रांत मतलब कोई शक है या फिर कंफर्म नहीं है, ऐसा भ्रांत उसे बोलते हैं भ्रांत, लेकिन ये भ्रांत नहीं है, ये राष्ट्र की अवधारणा है जो कहाँ से आई हुई है, पश्चिम से आई हुई है ऐसा कहा गया है, ऐसी भ्रांति सब में फैली हुई है। अस्माकम इदम भारतवर्षमेकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष चिर पुरातन मतलब बहुत ही प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। नेक्स्ट लाइन देखिए, किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्वचिंतकेश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैवं मतम्। हमारे यहाँ पर जो भारतवर्ष है वो बहुत ही प्राचीन प्राचीन है और सनातन है, कुछ लेकिन यहाँ के कुछ जो ऋषि मुनि हैं, कवि है, और जो तत्वों को जानने वाले, तत्वज्ञ अर्थात जो तत्वों को जानने वाले हैं, वो भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं मानते हैं, उनके अलावा राष्ट्र इनसे भी बढ़कर है। राष्ट्रमिति यदुच्यते तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्र जो कहलाता है, राष्ट्र क्या कहलाता है कि जहां पर एक क्या हो, एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है राष्ट्र को, मतलब चेतन का अर्थ होता है जो जीवित होता है, मतलब राष्ट्र को क्या माना गया है, एक चेतन अर्थात जिसके लिए हम कहते हैं लिविंग थिंग माना गया है। तदरेकम सांस्कृतिक घटम यह घटकम अर्थात ये हमारे देश का क्या है, सांस्कृतिक घटक है। वयम इदम राष्ट्रमेव मन्यामहे, हम इसे ही राष्ट्र देवम अर्थात हम इसी ही राष्ट्र को क्या मानते हैं, देव मानते हैं, भगवान मानते हैं। एतद वै भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चिद् मृत्पिण्डो वा भूखण्डो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति किलोक्तमर्थ देवेदे माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथ्व्याः। जो हमारा भारत देश है उसके बारे में कहा गया है कि यह भारत हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में सिर्फ कोई मिट्टी का पिंड, मृत पिंडो अर्थात मिट्टी का पिंड नहीं है, या फिर कोई भूखंड या मिट्टी मतलब किसी भी भूमि का कोई भाग नहीं है, लेकिन यह क्या है, हमारी मातृभूमि है, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, ऋग्वेदों में भी कहा गया है और अथर्ववेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्विया, की पृथ्वी जो है वो मेरी माता है और मैं भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदमपि कथितमस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता धर्मो द्योर्मे पिता, अर्थात पृथ्वी जो है मेरी माता है और द्यूलोक अर्थात धरती लोक जो है वो मेरे क्या है, पिता है।
मातृभूमि ही पितृभूमि ही पुण्य भूमि ही धर्म भूमि ही कर्म भूमि ही देव भूमि हिश्च। मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि और देव भूमि इत्यवे विविधे स्वरूपों अस्ति। जो हमारी भूमि है वो इतने इन रूपों वाली है। इयम अस्माकं भारत माता, यही हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्रीयता संबंधी न, राष्ट्र गौरव संबंधी न, राष्ट्र भक्ति संबंधी न, केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलितः। राष्ट्र की राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित कुछ श्लोक आपको इस पाठ में दिए गए हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन बड़ा था, हम चैप्टर आगे सिर्फ एक ही श्लोक में अभी बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे के श्लोक पढ़ेंगे, सिर्फ एक।